नमस्कार दोस्तों, मैं अनुजा का दोस्त स्वागत करता हूँ टेक्निकल टिप्स फेस वीडियो में, और लेके आपके लिए कुछ टेक न्यूज़। जी तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे एयरटेल की तरफ से। एयरटेल उसका एक नया प्लान लाने वाला है 200 GB वाला। यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे बताई नहीं गई, पर यहाँ पे बताया जा रहा है बहुत ही जल्दी ये प्रोजेक्ट यहाँ पे आने वाला है एयरटेल की तरफ से। तो प्राइस अगर अच्छी रही तो ये ऑफर देखने लायक होगा, पर अगर प्राइस ज़्यादा रखते और निकालते हैं तो कुछ ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रही है यहाँ पर वीवो V5S के लिए। अब यहाँ पर इसका एक ब्लू वेरियंट निकाल दिया गया है, और जो प्राइस है वो है 17,990 रुपये। ये आपको मिल जाएगा फ्लिपकार्ट पर। यार फूल हो यार, मेरी सलाह ये रहेगी कि आप उसको ना लो तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि फ़ोन कचरा है फ़ोन तो बिल्कुल, और स्पेक्स में तो बात करने का कोई मतलब नहीं है। अगर आपको सेल्फी लेनी हो तो आप ये ले सकते हो 20 MP की सेल्फी। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे LG G6 के छोटे भाई LG Q6 की। यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसकी जो लॉन्च डेट है वो होगी जुलाई 11, और थोड़े से यहाँ पर लिक्स आए हैं यहाँ पर, तो आप एक इमेज देख लो। यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक इमेज, इसके अंदर आपको मिलता है 741.1 नोगट, मॉडल नंबर दिए हुए हैं, प्रोसेसर इसमें दिया हुआ है कॉलकॉम का, कौन सा कॉलकॉम का दिया हुआ है वो यहाँ पे बताया नहीं गया है। 1.40 GHz पे काम करता है, कौन सा वाला है यहाँ पे बताया नहीं गया है, और थोड़े बहुत और फीचर्स आप देख लो ये नीचे। और मेमोरी की बात करी जाए तो आपको इसमें मिलती है करीबन 2,890 MB की, 2,990 MB की। तो ये बहुत सारी डिटेल से आप देख लो, आप पढ़ लो वीडियो को पॉज करके। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे गूगल की तरफ से। जैसा कि आपको मालूम होगा गूगल का एक आलो है, तो एलो जो भी हो, तो अब उसकी एक वेबसाइट आने वाली है। यहाँ पे गूगल ये कह रहा है कि उसकी वो एक वेबसाइट आने वाला है गूगल एलो की। तो देखते हैं, क्या आप मुझे कमेंट्स में बताइए क्या आप यूज़ करते हैं गूगल एलो को, और क्या आप यूज़ करना चाहोगे गूगल की उस वेबसाइट को। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रहा है यहाँ पे सैमसंग गैलेक्सी S8 Plus के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो उसकी प्राइस है वो इंडिया में 4,000 रुपये और कम हो चुकी है। तो वही तुम अगर कम प्राइस पे ही लॉन्च कर दे तो कितना अच्छा रहेगा। अब तुमने ज़्यादा प्राइस बता के और लॉन्च करा है, तो कम में कर देते तो क्या जाता, फिर अभी कम करनी पड़ रही है आपको प्राइस। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रही है यहाँ पे अमेजोन के प्राइम के लिए। अगर आपको चाहिए अच्छी सेल तो आप जाके ले सकते हो, जहाँ पे आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे और साथ ही साथ अच्छा है कैश बैक भी मिलेगा। तो अगर आप लेना चाहते हो, या आज से स्टार्ट हो चुकी है, आपको 1+5 में 2,000 रुपये का डिस्काउंट मिल रहा है, रेडमी के फ़ोन में मिल रहा है बहुत अच्छा डिस्काउंट, तो अगर आप लेना चाहते हो तो जाके आप ले सकते हो, जाइए और फ़ायदा उठाइए। अगली अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रही है यहाँ पे फिर से iPhone 8 के लिए। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो फिंगरप्रिंट सेंसर्स हैं वो नहीं आएगा, कहाँ पे आएगा वो भी यहाँ पे कुछ बताया नहीं गया है। तो क्योंकि वो या तो पावर बटन में भी आ सकता है या फिर पीछे एप्पल के लोगों में, तो देखते हैं कहाँ पे आता है। डिज़ाइन तो मैंने आपको बहुत बार बताया, बाबा ने बताता अगले अपडेट की बात करी जाए तो आ रही है Nokia 5 की तरफ से। यहाँ पे बताया जा रहा है कि Nokia 5 की प्री बुकिंग इंडिया के अंदर ओपन हो चुकी है। अगर आप लेना चाहते हो Nokia 5 को तो जा सकते हो, आप Nokia की वेबसाइट पे वहाँ पर जाकर उसे प्री बुक कर सकते हो। तो Nokia 6 कब आएगा वो बताया नहीं गया है। Nokia 5 की प्राइस जो बताई जा रही है वो बताई जा रही है 12,899 रुपये। तो आप मुझे बताइए नीचे कमेंट्स में क्या आप लेना चाहते हो एक Nokia 5 को। अगले अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रही है यहाँ पे Honor के बैंड्स भी के लिए। जैसे कि आपको मालूम है Honor के बैंड्स भी आते हैं, तो अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि उसके अंदर आप मॉनिटर कर सकते हो, आपकी हार्ट रेट सेंसर्स आएगा उसके अंदर, जिससे कि आप मॉनिटर कर पाओगे आपकी हार्ट रेट। तो ये तो बहुत पुराना फीचर आ चुका है। OLED डिस्प्ले होगा, आपको एक इमेज दिख रही होगी यहाँ पे, कुछ ऐसा एक Honor का बैंड 3 आने वाला है इंडिया के अंदर, देखते हैं कैसा होगा। 0.9 इंच की इसकी स्क्रीन है, OLED स्क्रीन बताई जा रही है यहाँ पर।
ओलेड यानी क्या होता है आपको मालूम ही होगा। और अगले अपडेट की बात करी जाए तो यहाँ पे वो आ रहा है जियो की तरफ से, वो भी कुछ आता है वही डीटीएच की तरफ से आ रहा है, जियो डीटीएच। अगर आपको मालूम हो जियो उसका डीटीएच आने वाला था तो वो आएगा या फिर नहीं आएगा, कुछ बताया नहीं जा रहा है, कंफर्म कुछ नहीं हो रहा है। और देखते हैं डीटीएच का क्या होता है। अगली अपडेट की बात करी जाए तो वो आ रही है यहाँ पे जियो के एक फोन की तरफ से। अगर आप लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो, इस फोन को फुल्ली रिकमेंडेड है ये फोन मेरी तरफ से। 499 के अंदर आपको मिल जाएगा ये फोन। और आपको एक इमेज दिख रही होगी या फिर शायद इमेज यहाँ पे मुझे दिख मिल नहीं रही है, मैं ढूंढ के यहाँ पे दिख रही होगी शायद, शायद बोल रहा हूँ इमेज यहाँ पक्का नहीं है और इमेज ज्यादा लिक्स नहीं हुई है, यहाँ पे ब्लरी इमेज है तो वो आपको मैं बताता नहीं हूँ। 499 के अंदर अगर आप देखो 4G फोन तो कोई सा नहीं आता है, लेना चाहते हो तो ले सकते हो, फोन ही बहुत कमाल है ये, उसके अंदर ही ऐसे कुछ कमाल से जो आप देखोगे तो समझ जाओगे। फिलहाल के लिए सुबह बस इतना ही, अगर आपको इन सवाल हो जाओ तो नीचे कमेंट करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं हमारे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम भारत माता की जय।